बहुत ही खुशी का पर्व है, दोहरी खुशी है मेरे लिए। आज मेरे बहुत ही पुराने मित्र और भाई श्री शिवेश तिवारी जी आज बतौर प्रोड्यूसर जो है अपनी पहली फिल्म लॉन्च यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहली खुशी तो मुझे इस बात की है और दूसरी खुशी इस बात की है कि मेरा जो भतीजा है आदित्य वो स्वयं जो है लॉन्च हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। मैं उनको, उनके पूरे परिवार को, सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी, फिल्म प्रमोद प्रेम जी है, प्रियंका पंडित जी है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी अपनी भूमिका के साथ में न्याय करेंगे। और ये मूवी जिस प्रकार का आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अलग हटके, इसके नाम से ही भैया जी प्रणाम, इसका अर्थ ये कि जैसा इनका अपना व्यवहार है, जो इनका अपना संस्कार है, जो इनकी अभिरुचि है, उस प्रकार से एक नई ट्रेंड की मूवी जो है हम लोगों के सामने आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के अच्छे परफॉर्मेंस से ये मूवी सुपरहिट होगी। वो तो बेहतर उसके डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब बताएंगे, मैं भी आप जैसे ही एक अतिथि इनका हूँ। और अधिकांश जो है चूँकि मिट्टी से जुड़े हुए हैं हमारे शिवेश भाई, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में अधिकांश इसकी शूटिंग होगी और वहाँ पर शासन भी बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है। शिवेश जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भोजपुरिया समाज को और भोजपुरिया परिवार को, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को प्रणाम कर रहा हूं और आशीर्वाद चाहता हूं। सभी बड़ों से गोड़ छूके प्रणाम करे तड़ी कि आप लोगन आशीर्वाद दें। पहला प्रयास हो हमार एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर तो बहुत सा काम के लिए ही आप लोग देख ले हुई हैं। पहला प्रयास है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक स्वच्छ स्वस्थ पारिवारिक फिल्म दूँ जिससे कि महिलाएं भी फिल्म को जाके देखें। अब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अभी फिल्मों में जाने से पहले सोचना पड़ता है कि भोजपुरी हो, अरे नहीं यार जाए तो तब बड़ा सब अंडबंड हुई। तो उन छवि को मैं बदलना चाहता हूं और एक छोटा प्रयास कर रहा हूं कि एक बहुत ही मनोरंजक फिल्म जिसमें कि आपको फिल्म गुदगुदाएगा, हंसाएगा और कहीं कहीं आपको जगह जगह पर इमोशन में ला के रुलाएगा भी, और हमारे जो दर्शक फाइट पसंद करते हैं उनके लिए फाइट भी रहेगा। तो एक स्वस्थ पारिवारिक फिल्म बनाने का मेरा प्रयास है, बाकी तो दर्शक डिसाइड करेगा ये कैसा मैं बनाया हूँ और कैसे हमारे कलाकारों ने परफॉर्म किया है, ये तो रिलीज के बाद पता लगेगा। और मैं बहुत आभारी हूँ कि इस मौके पे हमारे बड़े भाई उत्तर भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर भारतीय महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव रमेश मिश्रा जी हमारे बीच में आए हैं
और डायरेक्ट दिल्ली से आए हैं और ये घर भी नहीं गए अपने भतीजे को आशीर्वाद देने के लिए, एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आए हैं और अब इंटरव्यू दे के प्रस्थान करने के लिए। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा था कि हमारे बड़े अनमोल रत्न हैं और इस महाराष्ट्र की धरती पे एक बड़े वजूद का कायम रखते हैं। आप राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य भी रहे हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा इन्हें सुविधाएं मिली, अभी इन्हें राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिला है दिल्ली में अभी चंद 4-5 दिन पहले। तो ये हमारे समाज के लिए अभिमान का विषय है कि हमारे बीच में इतने बड़ी शख्सियत जो मुझे बहुत प्यार करती है एक भाई की तरह, और हमेशा मतलब इनके द्वारा मुझे आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ आए और हमें और हमारे पूरे टीम को आशीर्वाद दिए। थैंक यू। प्रेमी यादव जी हैं, प्रियंका जी हैं, सब में एक नया हीरो हीरोइन को लॉन्च किया जा रहा है। हाँ, भोजपुरी में एक्चुअली क्या है कि बहुत दिनों से मैं प्रयास कर रहा था कि कोई अच्छा लड़का को लॉन्च किया जाए। ये मेरा एक प्रयास है। प्रमोद प्रेमी जी गायक हैं, उन्हें जनता पहचानती है, उन्हें प्यार करती है, अच्छे एक्टर हैं। प्रियंका जी भी बहुत नामचीन कलाकार हैं, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने अभिनय का जलवा बिखेरा है। तो मैं तो दोनों से बहुत उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा अभिनय करेंगे। और एक लीक से हट के ये फिल्म है, क्योंकि लीक पर मैं नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा हट के बना रहा हूँ। इसकी स्टोरी लाइन बहुत प्यारी है। भोजपुरी समाज पर एक अच्छा अपना प्रसाद छोड़ेगी और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और वल्गरिटी से बहुत दूर एक पारिवारिक फिल्म इन्होंने बनाया है। मेरी शुभकामना पूरी टीम को, पूरे कलाकारों को मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। भोजपुरी एक्चुअली इस फील्ड में मुझे ऐसा लगता है कि न्यू टैलेंट की ज़रूरत है। मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि न्यू टैलेंट की ज़रूरत है। तो जो जो है वो तो लेजेंड है, वो तो है ही, लेकिन उनको ओवरकम करने के लिए कौन लगा तुम्हारे लगा तुम्हारे में मिलना चाहिए। बहुत टैलेंटेड हमारी इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी
भी जो अपकमिंग सिंगर्स आ रहे हैं जितने भी, उसके अलावा जो नॉन सिंगर्स भी हैं, वो भी अगर हम मौका देंगे तो ऑफकोर्स बहुत अच्छे आर्टिस्ट हमारे पास खाली चांस मिलना चाहिए। प्रमोद जी ने मेरी काफ़ी सारी फिल्में कर ली है, लोगों को उनके नाम से जानते हैं, सिंगर बहुत अच्छे हैं, उनके स्टेज शो बहुत ज़्यादा हिट होते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। फिर रितेश पांडे जी हैं, कपूर जी हैं, तो हमारे पास और भी नए कलाकार जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्हें पता है कि उन्हें अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करके आगे लेके जाना है। हाँ जी, मैंने जस्ट मेरी दुल्हन चाहे पाकिस्तान को रिलीज हुई थी, बॉम्बे में रिलीज हो चुकी थी, यहाँ भी रिलीज हुई। अभी जस्ट मैंने एक फिल्म का मुहूर्त किया है, पुलिस गिरी, जो इंडिया ई कॉमर्स की फिल्म है, उसके साथ मैंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बनाई थी। हीरो हैंडसम रिलीज होगी मेरी बहुत जल्द, जिसके अंदर राज यादव है। और एक ट्रेलर रिलीज हुआ है कल बद्रीनाथ का, जिसमें संजीव मिश्रा जी हैं। मैंने अभी तक जितने हीरो के साथ काम किया अभी तक वो सब नए हीरो हैं, और नए हीरो हैं और सिंगर भी हैं। और एक और फिल्म आएगी जिसका नाम है हम बदला लेंगे, जो फीमेल ओरिएंटेड है, वो कॉन्फिडेंस को अच्छी लगेगी। सारी हीरोइनें आजकल गाना गा रही हैं, मेरे से मेरा काम हो जाए वही बहुत है। आप सब हमने प्यार जुड़ा रही थे उनके फिल्म आप सबके बीच में बता दी। आदित्य, कुछ कहना चाहेंगे? जी, एक्चुअली ये मेरी न्यू फिल्म है, एक्चुअली फर्स्ट फिल्म है, तो होप करता हूँ कि सबको पसंद हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, सबका प्यार चाहूँगा, और मेरे से बड़े जो उनसे सीखने की कोशिश भी करूँगा, कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। नहीं बन रहा जो वन टू कर दो। हर की हो रानी ढेर दिन से करत इंतजार पानी बाहर लागी पानी। बहुत अच्छा गाना भी मार्केट में चलता है, चल गाना नहीं क्यों आप सब सुनेंगे। टाइटल्स को लेते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि ये भोजपुरी टाइटल है, भैया जी का, इसमें कहीं कुछ भी किसी से कॉपी किया हुआ चुराया हुआ या वैसा नहीं कि ये हिंदी की कॉपी कर रहे हैं। कैमरा लुक का शुद्ध भोजपुरी का। इस फिल्म में किस तरह के भूमिका में? उस तरीके तो है, थोड़ा सा विलेन ही है, मगर कॉमिक शेड दिए हुए हैं जो फ्लेवर ऑडियंस पसंद करती है। इससे पहले अशोक जी के साथ फिल्म बंदी की थी, उसमें हार्डकोर विलेन था, इस बार थोड़ा सा चेंज है। अभी तो मैं ऊपर नहीं बोलूँगा, लेकिन इसमें जैसे कि नाम है भैया जी सेकंड डायरेक्टर, प्रेमी जी कर रहे हैं, ठेठ देहाती जो शहर का माहौल और गांव का माहौल मिक्स कर रहे हैं, एक ऐसा चंचल करेक्टर फिल्म को बांधेगा। फिल्म की स्टोरी बनारस की पृष्ठभूमि की है, और संजय भाई एक ऐसे विलन है, नहीं डिस्क्लोज नहीं करूँगा मैं, मतलब मज़ा आएगा, लोगों को मज़ा आएगा बता देने पे। मज़ेदार करेक्टर, सिनेमा अपने आप में बहुत एंटरटेनिंग होगा, पूरी फिल्म जो ऐसा रुलाने वाला उस तरीके से नहीं, गुदगुदाते हुए हंसते हुए अपनी बात कहते हुए चीज़ें। हाँ, एक्चुअल में जो हमारा भैया जी है वो एक ऐसा अनहड़ रह गया, अंदर दिल से मासूम है और दिखने में हार्ड कोर है, तो मुझे कुछ ऐसा एस्पेक्ट नज़र आया उसके अंदर कि शायद ये परफेक्ट फिट बैठे, मैंने इसलिए चॉइस किया। अशोक जी, प्रोड्यूसर बन गए आप, कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं? जिम्मेदारियां तो बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तक तो मैं एक करेक्टर आर्टिस्ट के रूप में काम कर रहा था, तो उस समय इस बात का एहसास नहीं था कि मुझसे लोग क्या उम्मीदें करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से प्रोड्यूसर बनने के बाद लगता है कि यार तमाम जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पे है, और अब उसको मैं कैसे निर्वहित कर पाऊँगा वो समय बताएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने डायरेक्टर साहब से एक निवेदन किया था कि अशोक जी, मैं एक बहुत स्वस्थ पारिवारिक फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जनता हमारी जो है, महिला जनता जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की, पहले भीड़ आती थी महिलाओं की भी, अब सिर्फ पुरुष वर्ग दिखाई पड़ता है,
तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी फिल्म जाए जिसमें महिला भी आके बहुत आराम से फिल्म देखें और कहें कि नहीं हाँ ये स्वच्छ स्वस्थ पारिवारिक फिल्म कोशिश है। हमारे डायरेक्टर साहब काफ़ी टेक्निकली बहुत साउंड है, अच्छी अच्छी फिल्में दिया है आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहानी के साथ आप जस्टिस करेंगे और जनता के जो उम्मीद हमने भी किया है और जो जनता करेगी उस पर ये खड़े उतरेंगे। और संजय भैया का प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, उन्होंने दिल से कहा है कि हम आपके साथ हैं। और संजय भैया एक ऐसे एक्टर हैं, उनके विषय में मैं कहूँ तो वो होता है ना कि जैसे कि सूरज के आगे दीपक दिखाने वाले एक जबरदस्त एक्टर है, उनको जो भी रोल दे दीजिए उसमें जान फूंक देते हैं। तो निश्चित रूप से मैं संजय भैया का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और संजय भैया का बड़ा अलग फ्लेवर है इस फिल्म में। इस फिल्म में हीरो हीरोइन आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग टाइप की फिल्म है, कहीं कहीं तमाम आपको गुदगुदाती रहेगी, हंसाती रहेगी, कहीं कहीं रुलाएगी भी, निश्चित रूप से रुलाएगी। जो हमारी जनता भोजपुरिया जनता फाइट चाहती है, हम फाइट भी रखे हैं। इस सब के जो चॉइस है, सबका जो टेस्ट है, उसका मैं ध्यान रख के आपसे अनुरोध किया हूँ कि ऐसी फिल्म बनाए कि जनता उसे प्यार दे, पसंद करे और लोगों को लगे कि हाँ अच्छी फिल्में बनाइए तो चलती हैं। तो ये जनता से अपील कर रहा हूँ मैं आज ही कि ये जब फिल्म बन के रिलीज हो तो आप लोग जाएं, देखें और आशीर्वाद। ये फैब में हम स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश से चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती पे मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि भोजपुरी का समाज यही है। ये स्टोरी बेसिकली बनारस पृष्ठभूमि की है, हम लोग कोशिश करेंगे वहीं। हाल ही में आपकी फिल्म जिसमें आप बहुत पहली बार मैंने किसी फिल्म के लिए इतनी छोटे बालों की कुर्बानी दी थी माशाल्लाह। वो जिद्दी डायरेक्टर खड़े होकर उसने बाल कटवाए थे, योगेश जो है उनके डायरेक्टर, और अलग तरीके का डिफरेंट करेक्टर था, वो इंस्पेक्टर है बट दोनों शेड है उसमें, और ग्रे शेड तो नहीं बोले, बहुत ही लिजलिजा टाइप का किरदार था वो, और जो बालों के साथ अच्छा लगा उसके छोटे तो इंटरेस्टिंग है। तो जब अलग करेक्टर कुछ करता है तो वो अमीर होता है, अमीर इन द सेंस पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, वो एक और नए किरदार को जी पाता है, एक और नया किरदार उसके अंदर समा पाता है। तो मेरे लिए दबंग सरकार एक अच्छे थे। जैसे कि भोजपुरी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है कि कैमरा पीछे कर लो यार, मिलते हैं किसी का प्रणाम करते हैं, तो आज उसी टाइटल फिल्म बन रही है कि भोजपुरी संस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करूँगा जितने भी चैनल हैं इनके दर्शकों को, और टाइटल है भैया जी प्रणाम, तो टाइटल में सब कुछ छुपा है क्योंकि भैया जी प्रणाम हम कभी कभी बड़े मजाकिया लहजे में भी बोलते हैं, कभी सीरियस भी बोलते हैं। तो जैसे भैया इसके डायरेक्टर हैं अशोक भैया, अशोक भैया बहुत मुझे वो डायरेक्टर हैं, उनके डायरेक्शन मैं फिल्म कर चुका हूँ जिसका नाम था बुलंदी, मेरे कहने का पहले फिल्म थी अजय विलन और एकदम नया ही था, और मेरे जैसे एक्टर तो एक नया एक्टर से इन्होंने काम कराया था और जो काफ़ी अच्छा फिल्म था और मेरे कैरियर के लिए बहुत बेस्ट फिल्म थी। तो भैया जब बना रहे हैं इस फिल्म को हम और 100% बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे, और भैया जी पढ़ा टाइटल ऐसा है कि इसमें कॉमेडी भी होगा और मास कुर्बाई भी कई चीज़ें एक यंग लड़के हैं और सिविल्स जी इसके प्रोड्यूसर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भैया जो अपनी पुरानी फिल्मों को थोड़ा मज़ेदार और चटकदार खूबसूरत फिल्म बनाएंगे जो दर्शकों को देख के बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें किरदार कैसा होगा आपका, कितना अलग होगा? कॉमेडी किरदार भैया मेरे कुछ अच्छा ही सोचे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जब हम पर्दे पर उस किरदार को निभाएंगे भैया एक एब्सेंट माइंडेड विलन जो मतलब बहुत क्रूवल है लेकिन वो भूल जाता है अचानक, उसको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना जिसका जवाब वो नहीं जानता, तो सोचने लगता है सीरियसली कि इसका जवाब हो क्या सकता है, तो अपने ही चेहरों से पूछ लेता है तुम बताओ। एक अलग करेक्टर है, मज़ा आएगा, बताऊंगा नहीं ज़्यादा इतना बहुत हो गया इतना ही बहुत आएगा।
नो डाउट बहुत प्यारा कैरेक्टर से भैया बता रहे हैं और हम कोशिश करेंगे भैया के आशीर्वाद से कुछ कैरेक्टर में बाकी भी निभा पाऊँ और दर्शकों को उस कैरेक्टर में अपने आप को दर्शकों को मजा आए। दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं विजय साहू एज राइटर इस फिल्म विजय जी प्रणाम का राइटर। वो बहुत खुशी की बात है कि आज एक फिल्म रच हुआ और जैसे कि टाइटल ही है भैया जी प्रणाम, तो एक बेहतरीन फिल्म लिखा गया है, लिखा हूँ और उसके बाद में इसमें बहुत अच्छे अच्छे किरदार हैं जिसमें प्रमोद प्रेमी जी हैं, पंडित जी हैं और संजय भैया हैं और इसके डायरेक्टर हैं अशोक त्रिपाठी अत्री जी जो बहुत ही मजे हुए बेहतर बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। और इस फिल्म की स्टोरी उनके माध्यम से मुझे लिखने को मिला। सुरेश भैया इसके प्रोड्यूसर हैं, मुझे लिखने के लिए बोले तो एक कहानी इतनी बेहतरीन है कि बंदरेटी से दूर और बहुत ही खूबसूरत एक प्यारा सा स्टोरी है। और स्टोरी के अंदर डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ट्विस्ट रखना है इसमें, एक बेहतर फिल्म बनेगी। सर आप क्या कहेंगे? मैं इसका रजनीश पाठक आप सबको दिल से प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पूजन मिली हमारे दर्शक को बहुत प्यार देते रहते हैं और इस मीरत में हम आए हुए हैं जिसके प्रेमी जी और डायरेक्टर हैं अशोक अत्री जी, डायरेक्टर साहब हमारे साथ में ही हैं कहानी जी और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और आप इसके टाइटल से ही साफ जाहिर होता है कि भैया जी प्रणाम परिवारिक फिल्म है, बहुत बेहतरीन स्टोरी है। आप मुझे परिवार के साथ देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।